हे गाइस, कैसे हैं आप सारे लोग। आज हम लोग टेस्ट करेंगे गॉट मिल्क यानी बकरी का दूध। तो आप देख रहे हैं आजकल काफी ज्यादा जो डेंगू पेशेंट हैं वो आ रहे हैं, और स्पेशली इन उत्तर प्रदेश, फिरोजाबाद, आगरा, सिकोहाबाद इस एरिया में। तो मेरे भी घर कुछ डेंगू पेशेंट हैं, तो मैं बकरी का दूध लेके आया था। बोलते हैं बकरी का दूध पीते हैं तो जो प्लेटलेट्स होती हैं, जो डाउन हो जाती हैं जब डेंगू होता है, तो वो इंक्रीज होती हैं। तो आज हम लोग टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि बकरी का दूध होता है वो होता कैसे है। तो चलिए पहले स्मेल करके देखता हूँ कि बकरी का दूध होता है और जो भैंस का दूध होता है या गाय का होता है उसमें क्या अंतर रहता है। अच्छा, वैसे ये बोलते हैं ना कि बकरी के दूध में काफी ज्यादा महक आती है, तो जो बकरी है ना घूम घूम के खाना खाती है, यानी अपने घर का खाना नहीं खाती, जो घर का चारा डालते हैं, तो जो घूम के खाना खाती है उसके ही दूध में महक आती है। और ये दूध जो आया है वो बकरी है, वो घर का ही खाना खाती है, बाहर घूमती नहीं है, तो इसके जो मिल्क में महक है ना वो महक नहीं है, एक स्मेल होती है जो कि लोगों को अच्छी नहीं लगती है। अब चलिए मैं थोड़ा सा ड्रिंक करके देखता हूँ इस दूध को कि कैसा दूध है। और हाँ, ये काफी पतला दूध है, उतना गाढ़ा नहीं लग रहा मुझे। दूध की बात करूं तो टेस्ट थोड़ा सा अलग है, हालांकि ऐसी कोई महक नहीं आ रही है जो लोग बोलते, काफी सारे लोग बोलते हैं कि बकरी के दूध में अच्छी महक नहीं आती है, तो महक नहीं है पर और टेस्ट लेस सा लग रहा है। मैं ज्यादातर जो भैंस का दूध दूध हूँ वही पीता हूँ, और ये दूध तो मैंने आई थिंक दूसरी या तीसरी बार पिया है, ज़्यादा नहीं पिया है, और इसमें कोई ऐसी स्पेशल महक नहीं है। दो जो दूध है थोड़ा सा अंतर है ये बकरी के दूध में, इसमें टेस्ट नहीं लग रहा है मुझे। सो यही था कंपैरिजन बकरी के दूध और भैंस के दूध में। आज की वीडियो में बस इतना ही था कि बकरी का दूध में कुछ महक आती है या नहीं आती है। महक देखिए उसी दूध में आएगी जो बकरी बाहर घूम के खाना खाती है, जो घर में रह के खाएगी उसके में महक नहीं आएगी। और टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट थोड़ा सा इसका अलग है। और बस आज की वीडियो में बस इतना ही था। होप आपको पता चल गया होगा कि बकरी का दूध कैसे होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।